गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। और वो उस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। जिम्मेदारी पूरी हो गई भाई, सफीर को बचाने में कामयाब हो गए हम। तुर्कुत भाई सफीर के साथ हमारा इंतजार कर रहे हैं। कोई भी हरकत की, किसी का भी सर मुखालिफत में उठा, वो सर काट दिया जाएगा। गश्ती दस्ते ने खबर भिजवाई है, मंगोलों ने कबीले पर हमला कर दिया है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है भाई। फिर पूछता हूँ, अर्तुगरुल कहाँ है? तुम उससे क्या चाहते हो मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि जीत नहीं सकते उससे तुम। छोड़ दो उस्मान, मेरा बच्चा। खुशामदीद अपने आका के पालतू, आ गए इसके तलवे चाटने। हमें उन सरहदी इलाकों में मोहतात रहना होगा जो तुर्क कबाइल से मिलते हैं। इस तरह हम अनातोलिया के मंगोलों को जाल में फंसा लेंगे और हलाकू खान का लश्कर बिखर जाएगा। न वो अनातोलिया से शुमाल की जानिब मदद भेज सकेंगे और न अनातोलिया को शुमाल से कोई कुमक मिल सकेगी। वालिदा, उस्मान, कितने जालिम हैं ये मंगोल। ना जाने मेरे बच्चे को कहाँ ले गए। सब कुछ तबाह कर दिया इन मंगोलों ने। या मेरे अल्लाह। हायमा खानम, खुद को संभालिए, भाई आ गए हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मंगोलों के तलवे चाटता है तुम्हारा भाई, वो क्या करेगा इल्बिल्गे खातून? मुझे तो ये बात पहले ही से मालूम थी, आज सबको पता चल गया। अफसोस होगा आपको अपनी बातों पे सलजान खातून। भाई हम सबकी सलामती के लिए बात कर रहे हैं, अगर वो ना आते तो गुंदुज नहीं बचता। हाँ। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। मेरे कबीले पे हमला हुआ, मेरे पोते को ले गए वो, और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ रहे हो। तुम्हारा भाई जानता था कि यहाँ मंगोल आने वाले हैं। ये आप क्या कह रही हैं हाइमा खानम? मंगोलों के आने की अगर खबर होती तो क्या वो हमें यहाँ छोड़ते? भाई हम सबको बचाने के लिए यहाँ आए हैं। ये तो बताओ इलबिलगे खातून, मंगोलों ने ही तुम्हारे भाई से कहा था ना कि हमारे औताक में अपने कदम मजबूती से जमा, हाँ? और यही वजह थी कि तुम्हारा भाई हमारे कबीले से रिश्ता जोड़ना चाहता था। आप ये बात करके हमारी बेइज्जती कर रही हैं सलजान खातून। हद में रहते हुए अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त हमें इत्तेहाद की जरूरत है और आपकी जबान जहर उगल रही है। सलजान खातून जबान को संभालिए। मेरा पोता, दादी की जान, मेरी दादी तुम्हारे बगैर कैसे रहेगी? अर्तुगरुल कहाँ तुम बेटे? या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, उन्हें मुसीबत से बचा ले। संभालिए, संभालिए खुद को। तुम्हें महसूल का सोना और वो संदूक हासिल करने का कहा गया था जो हलाकू खान को चाहिए। मालूम है, लेकिन अर्तुगरुल ऐसा इंसान नहीं जिससे जबरदस्ती कुछ हासिल किया जा सके। अकल से काम लेने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि अर्तुगरुल मर जाएगा लेकिन कुछ नहीं बताएगा। तो इसीलिए तुम अपनी बहन की शादी अर्तुगरुल से करवा रहे हो? तुम अपना फर्ज पूरा करते तो ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन अब इन तुर्क कबाइल को मेरे हाथों से कौन बचाएगा बेबोलाद? यकीनन इन्हें आपके हाथों से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन आपको मेरी सूरत हाल समझना चाहिए। दूसरे कबाइल की तरह काई कबीले को भी तबाह करने की ताकत रखते हैं, लेकिन ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? सारे कबाइल अगर तबाह हो गए तो हुकूमत किस पर करेंगे? ड्रैगोस से क्या मुआहिदा होगा? बाज़ंतीनी साजिशों का क्या होगा, ये सोचा आपने? कमांडर अलंजक, ये सिर्फ किनारा है। इन लामुतनाही जमीनों पर चंद सिपाहियों के साथ कैसे कब्जा जमाएंगे कमांडर? और महसूलात का क्या होगा? कबाइल का महसूल अगर यहां जिंदगी ही खत्म हो गई तो हलाकू खान के लिए सोना आप कहां से लाएंगे? इसीलिए अर्ज है, भरोसा करें मुझ पर। यह कबाइल खुसूसन काई, इनका एतमाद जीतना है हमें, और इसी वजह से अर्तुगरुल को मैं इतनी इज्जत दे रहा हूं। हाँ। और महसूल का क्या? वो जो जमा किया तुमने और फिर सब गवा भी दिया। जानता हूं मैं यह किसने किया है। किसने? चोरी शुदा सोना जल्द हलाकू खान के पास भेज देंगे हम। सोना किसके पास है? ड्रैगोस। फिर वही खबीज ड्रैगोस, उसका किला जमीन बॉस कर दूंगा मैं। और यहां काई इस खित्ते का सबसे ताकतवर कबीला है। तबाह करने के बजाय हमें चाहिए कि इस पे कब्जा करें। कमांडर अलंजक, अर्तुगरुल के तमाम सिपाहियों ने हथियार डाल दिए हैं। हमारे सरदार नहीं चाहते कि खून खराबा हो, इसलिए उन्होंने हमें हथियार डालने का हुक्म दिया। तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आया? अपने सिपाही यहाँ क्यों भेज दिए? उन्होंने कहा है कि वक्त आने पर वो भी आ जाएंगे कमांडर, और वो तुमसे जंग नहीं चाहते। अगर वो चाहता तो क्या करता? मुझ पर हमला कर देता। कमांडर अलंजक, अर्तुरुल ने कहा है कि वो आएगा तो आएगा। ले जाओ इन सबको। तो तुम जानते हो कि मैसूल का सोना कहां है। चाहे कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, किसी से भी लो, मुझे सोना चाहिए। मुझ पे एतमाद रखना होगा कमांडर अलंजक, मायूस नहीं करूंगा मैं आपको। मैं यहाँ अक्साकली के तवस्सुत से आया हूँ अर्तुरुल सरदार। मेरे अल्फाज उनके अल्फाज हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के तनाजुर में हमें जरूरत है एक अजीम इत्तेहाद की। इस इत्तेहाद का यह बेहतरीन वक्त है। मंगोल कमांडर अलंजक ने सोत पर हमला किया है। खबर मिल गई है हमें। हमें अब कुछ नए फैसले करने होंगे, इसीलिए अक्साकली ने आपको तलब किया है। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि अलंजक हलाकू खान का इंतहाई खतरनाक आदमी है। आग उगलता है और मौत बांटता है। अपना मकसद हासिल करने के लिए वो जुल्म की हदें पार कर जाता है। यह सरजमीन एक बहुत बड़ी जंग की मुंतजिर है। उसे ये लगता है कि हम कमजोर हैं इस वक्त। उसे ये बात नहीं मालूम कि हमारे और बरके खान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे की तकमील सही वक्त पे हुई है। सुल्तान बायबर्स के साथ इत्तिहाद करके हम इन मंगोलों को दोनों जानिब से आग में झोंक देंगे। उस जालिम की कोशिश है कि इस्लाम के नाम को मिटा दिया जाए। ना तो उसने कोई मीनार छोड़ा है और ना ही कोई गुंबद। यह जंग सिर्फ अनातोलिया की आजादी के लिए नहीं, बल्कि आलम इस्लाम की सरबलंदी और इज्जत और वकार के लिए है। मंगोलों से हासिल शुदा महसूल का सोना इस जंग में तुर्क कबाइल के लिए खर्च करना चाहता हूं मैं। मुनासिब रहेगा। जंग का जैसे ही आगाज होगा, मंगोल तमाम रास्ते बंद कर देंगे और इस सबब से सोने की, हथियारों की, हत्ता के घोड़ों की भी फराहमी रुक जाएगी। उस वक्त इस हासिल होने वाले सोने की हमें बहुत जरूरत होगी, इसलिए उसकी हिफाजत कीजिएगा। तुर्क कबाइल की उस वक्त जब हम कफालत करेंगे, तब दुश्मन को हमारी कुव्वत और माशी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। जब तक जमीन और आसमान बाकी हैं, हम तुर्क कबाइल को इसी तरह मुनज़्ज़म करते रहेंगे। ओज हमारी रियासत की तरक्की का संग बुनियाद रखने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। अगर हम बर वक्त सही कदम उठाते रहे तो ना ही उनका तख्त बाकी रहेगा और ना उनका ताज। और बहुत जल्द इन बिखरी हुई ईंटों से एक नई रियासत वजूद में आएगी। बस हमें इन बिखरी हुई ईंटों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है और इस अजीम काम का वसीला सूद होगा। देखिएगा अर्तुल सरदार, सूद से निकलने वाली आग हमारे दुश्मन को जलाकर राख कर देगी। और इसकी इब्तिदा लेफ्ट के किले से होगी। दोस्त 1000 भी हो तो कम है, लेकिन दुश्मन 1 भी हो तो बहुत होता अर्तुल सरदार। अब हमें सियासी चालों के जरिए दुश्मन की तादाद कम करनी है और अपने दुश्मनों को आपस में ही दस्तो गिरेबा करना है ताकि वो अपनी तलवारों से एक दूसरे का खात्मा कर दें। मैंने इसके लिए एक मंसूबा बनाया हुआ है। इस मंसूबे के मुताबिक हमारे किसी भी दुश्मन का इस आग से खुद को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन मंगोल वहां क्यों आए हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें वो संदूक चाहिए जिसमें रियासत के खुफिया राज हैं। उस संदूक को हासिल करने के लिए वो जुल्म और बर्बरियत की हर हद पार कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि इसके लिए आपको क्या करना है। आपको इस मरहम से आराम मिल जाएगा सुलेमान भाई। जो जुल्म उन्होंने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। उस्मान कबीले में नहीं है, हमें जाकर उसे तलाश करना होगा। थोड़ा सब्र रखें भाई, बेबोलाद साहब उनसे बात करने गए हैं। तुमने देखा नहीं साहू जी कि वो भी उन जालिम मंगोलों का साथी है। मैंने कहा था उमरुल्लार वाले एतबार के काबिल नहीं है। मंगोलों को खुश करने के लिए वो हम पर तलवार उठाने में देर नहीं करेंगे। हम लोगों ने अपनी आस्तीन में सांप पाल लिया है। जब पहली बार बेबुलाद को देखा था उसी वक्त खटक गया था मैं। अब देखते जाओ क्या होता है। ये वक्त इन बातों का नहीं है सुलेमान। उस्मान के हाल में ये जानना जरूरी है। इन वैश्यों से मुकाबला करना होगा हमें। इन वैश्यों का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है गुंदुज। क्या मतलब है तुम्हारा? अलंजक, उसका तरीका दूसरों के मुकाबले में बिल्कुल अलग है। वो मुखालिफों के लिए ड्राउने ख्वाब जैसा है। अगर उसे मुतमईन ना कर सके हम तो वो सबको मार डालेगा गुंदुस। बहुत जालिम है वो, सारे खैमे मिस्मार करके जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा किला है, जंगी लिहाज से महफूज। तिजारती काफले भी गुजरते हैं। यहां पर रहना काफी मुफीद साबित होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हमारा चुराया हुआ सोना वापस नहीं किया तो हम इस पर हमला करके कब्जा जमा लेंगे अपना। इस किले पर हमला करना तुर्क कबाइल पर हमला करने की तरह आसान नहीं है। एक बात और, वो सोना हमारे पास नहीं है। अगर तुम्हारे यहां आने का मकसद सोना है तो तुम गलत जगह आए हो, क्योंकि सोना अर्तुरुल के पास है। तुमने कबूल किया था कि सोना तुमने चुराया है, तो फिर वो सोना अर्तुरुल के पास कैसे हो सकता है? या तो तुम बहुत बेवकूफ हो या फिर मुझे बेवकूफ समझने की गलती कर रहे हो। तुम लोगों ने कबीले पर हमला किया है ना, तलाश करो हर जगह। अर्तुगरुल ने वो सोना यकीनन कबीले में छुपा कर रखा होगा। हर सूरत हमें वो सोना चाहिए कमांडर। इन दीवारों पर लटकती लाशें अच्छी लगेंगी, किले का नजारा और भी दिलकश हो जाएगा। और हां, अगर अर्तुगरुल के साथ तुम्हारा ताउन अभी भी जारी है तो उसे एक पैगाम पहुंचा देना। कबीले का हर फर्द यरगमाल है और उसका बेटा उस्मान हमारे सिपाहियों के कब्जे में है। अगर उसने वो नहीं दिया जो हमें चाहिए तो उस्मान जान से जाएगा। किला पसंद आया? मैंने उससे कहा कि सोना अर्तुगरुल के पास है, हमारे पास नहीं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बेबुलाद की रचाई हुई साजिश है ये। बेबुलाद क्यों? आखिर वो ये साजिश क्यों रचाएगा? वो जानता है सोना कहाँ है, खुद हासिल करना चाहता है वो सोना। मगर इसकी सजा उसे जरूर दूंगा मैं। अर्तुगरुल भाई नहीं चाहते कि खून बहाया जाए, हाइमा खानम, इसीलिए सरदार ने हमें यहाँ भेजा है। आप सब लोगों ने हथियार डालकर अच्छा किया। अर्तुगरुल भाई अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। धोखेबाज है, उसने हलाकू खान के कानून की तौहीन की है। उसके जराइम बिल्कुल वाजे हैं। मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है। सिपाहियों ने हथियार डाल दिए हैं। अगर तुम लोग भी मेरी इताअत करते हो तो जिंदगी बख्श दूंगा तुम्हारी। अर्तुगरुल की पैरवी करेंगे हम भी। खून नहीं बहना चाहिए बस। कमांडर अलांजक। ठीक है फिर, मैं इस कबीले का सरदार आर्तुक साहब को मुंतखब करता हूँ। आर्तुक सरदार वही करेंगे जिसका हुक्म मैं दूंगा। आपके हुक्म पर ओस कबाइल के सरदारान को आपके हुजूर पेश करने के लिए लाए हैं। अंदर ले आओ उन्हें। जब तुम यहाँ आए थे तो हमारे दरमियान ताउन पर इत्तेफाक हुआ था, मगर तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहे। आप यहाँ पर क्यों आए हो? माजी को भूल जाओ, यहाँ तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूं मैं। मंगोल तुम्हारे कबीले पर काबिज हो चुके हैं, उसी की बात करने आए हो ना? जो खबर तुम तक पहुंची मुसीबत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इत्तेहाद करने आया हूं मैं। ये इत्तेहाद सिर्फ हमें नहीं बचाएगा बल्कि तुम्हारी भी हिफाजत करेगा। मंगोलों ने तुम्हारे कबीले पर हमला किया है, हमारा किला बिल्कुल महफूज है। तुम्हें क्या लगता है कि वहां बहने वाले खून का असर यहां नहीं होगा? क्या लगता है कि मंगोलों की उठी हुई तलवार इस किले पर अपने वार नहीं करेगी? अगर तुम्हें जरा भी समझ है तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि वो यहां भी अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश करेंगे। तुम भी खतरे में हो मेरी तरह। अगर हमने इत्तेहाद न किया तो मंगोल हम दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारे कबीले पर हमला हो चुका है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुर्क कबाइल भी बेबस हैं। इसके बरक्स हमारे पास किला भी है और लश्कर भी। मैं क्यों मदद करूं? तुम्हारा सरदार अर्तुल यहां से फरार हो चुका है। अगर वो आया तो मैं तुम्हारे सरदार की खाल उधेड़ कर उससे अपना कालीन बनवाऊंगा। मैं उस कबीले को मिट्टी का ढेर बना दूंगा जो उसका साथ देगा। आज से तुम्हारा सरदार आला बेबोलाद होगा। कोई है जिसे इताअत से इनकार है? ना तलवार से और ना ही जुल्म से ये फैसले होते हैं। इस सरजमीन के फातेह अर्तुरुल सरदार हैं। तुमने क्या किया? अपनी तलवार से बेगुनाहों का खून बहाया है तुमने। जहन्नम में जलोगे तुम अलंजक। अर्तुरुल सरदार तुम्हारा इबरकनाक अंजाम करेंगे। समझाता हूं आज तुम्हें कि रोंदना क्या होता है। बागियों पर मेरा अज़ाब देख चुके तुम लोग। है कोई और जो इताअत से इनकारी हो? तो अब सब लोग अपने अपने कबीले जाओ। आज रात अर्तुगरुल के ओताक में फतह का जश्न मनाएंगे और कबीले की खवातीन मजेदार खाने बनाएंगी मेरे लिए और सिपाहियों के लिए। और तुम मेरी बात सुनो सलजान खातून, मेरी और मेरे मेहमानों की इस औताक में तुम खिदमत करोगी। मर जाऊंगी मगर तुम्हारी खिदमत नहीं करूंगी। तो फिर मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे को ले आऊंगा। वो बहादुर का बेटा है। बाज़ औक़ात कुदरत का करिश्मा देखकर हैरान होता हूं। तुम जैसी बाखलाक औरत गुंदोगदू जैसे इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती है? हैरत है। मेरा शौहर तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं। मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। जब सही वक्त आएगा तो हायमा खातून से किया हुआ वादा नहीं भूलूंगा और बाइज्जत मौत तुम्हारे नाम करूंगा। याद रखना। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। एक बहुत बड़ी ताकत जल्द मेरे साथ शामिल होने वाली है। कौन सी ताकत? मेरा भाई गुंदोगदू और उसका लश्कर। मैं सऊद को इन मंगोलों के हाथों में आसानी से जाने नहीं दूंगा। हर तदबीर इब्तिदा से सोच रखी है। ये जंग एक बहुत सख्त जंग साबित होगी। तुम्हारी तरह मेरे पास भी लश्कर मौजूद है। तुम्हारे पास छुपने के लिए सिर्फ ये किला है, लेकिन मेरे पास वादियां हैं, बुलंद पहाड़ हैं और सारी जमीन है जो वफादार है मेरी। गौर कर लो अच्छी तरह, मंगोलों जैसी मुसीबत से अकेले लड़ना चाहोगे या फिर मुझसे इत्तेहाद का फैसला दानिशमंदाना है, सोच लो। उम्मीद करता हूं यह इत्तेहाद पहले वाले मुआहदे जैसा नहीं होगा। हर शख्स जो बोता है वही काटता है। वफादार के लिए वफादारी और बागी के लिए सजा। कहो क्या करना होगा मुझे? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैगाम मिल जाएगा तुम्हें। मंगोलों से इत्तेहाद की कोशिश की तो मालूम हो जाएगा मुझे, और फिर उस वक्त मैं तुम्हारे लिए कहर साबित होऊंगा। कहीं वो सांगूश तो नहीं जो ड्रैगोस के लिए मुखबरी करता है? भाई सिर्फ मुखबरी ही नहीं, बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर। कमांडर आलंजक, अर्तुरुल आ गया है। तो इसे ये लीजिए, वक्त कम है बहुत। क्या है ये? और अर्तुगरुल सरदार ने इलबिल्गे खातून के लिए दिया है। ख्याल रहे, इस मकतूब के बारे में किसी को भी पता न चले।